हालात से कितने किसानों की होगी, पूरा शहरवासियों को ख्याल रखता है। इस वीडियो के मुताबिक से आपको पता चल रहा है कि ना जाने कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई आज के बारिश में। दौनी दमोही क्या हुआ और भूसा पानी में बर्बाद हो रहा है। जब फसल तैयारी होती है तो ना ही उसका सही रेट मिलती है। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले 5-6 दिन से मौसम डैमेज चल रहा था, कचर मचर घटा घमंड, तो अचानक आज बारिश हुआ, जगह जगह पर भारी बारिश हुआ है, जगह जगह बूंदा बूंदी बारिश हुआ है, जिसके कारण से कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास में और बैरी दुर्गा के सामने सामने रेलवे ट्रैक के मैदान में किसान का मसूर का बोझा और टाल दौनी दमोही क्या हुआ और भूसा पानी में बर्बाद हो रहा है। ककड़ी तरबूजा परवल की खेती है, तो इस तरह की फसलों को बारिश होने से किसानों को कुछ लाभ है तो कुछ नुकसान है। जैसे कि मसूर चना कुछ गेहूं की फसलें को काफ़ी नुकसान होगा और कुछ फसलें मक्का है, ककड़ी तरबूजा परवल की खेती है, तो इस तरह की फसलों को बारिश में निकला है तो काफ़ी फायदा है। किसान कैसे होश करेगा, कभी तो मौसम साथ नहीं देता है तो कभी फसल सही से नहीं होता है, कभी कीड़ा बर्बाद कर देता है तो कभी बारिश बर्बाद कर देगा। ना जाने कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई आज के बारिश में। देखिए, किसान का लड़का अपनी फसल की देखरेख निगरानी हेतु बारिश में निकला है कि कहाँ कैसे नुकसान हुआ है। इस वीडियो के मुताबिक से आपको पता चल रहा है कि किसानों की फसल कितना नुकसान हो रहा है और ना जाने कितना होगा। इस तरह जो फसल बारिश में, जो देखिए वो टाल डूबा हुआ है, पानी में टाल डूबा है, और दूसरे खमार पे चना, ये मसूर का फसल दौनी दमाई किया हुआ, दानों भूसा पानी में डूब रहा था। ना जाने इस तरह की घटना कितने किसानों के साथ हुआ होगा आज के मौसम खराब होने से। रैचा रैचा भी बोझा देखो भौंस रहा है। देखिए, किसान फसल उगाता है सही, लेकिन किसान को जो नुकसान होता है, नुकसान के हिसाब से ना ही तो मुआवजा मिलता है, ना ही तो कोई फंड मिलता है। जब फसल तैयारी होती है तो दाना के हिसाब से सही से रेट नहीं मिलती है। जब किसान ने फसल दौनी दमाही करके घर लाता है तो उसका रेट सुनते हुए किसानों को निशान लग जाता है, शहरवासियों की टेंशन रहती है। किसान अपने एक रोटी खा करके पूरा शहरवासियों को ख्याल रखता है कि हमें भूखा रहना मंजूर ठीक है, लेकिन शहरवासियों को हंसते खेलते हुए देखना मुझे पसंद है। देखिए, ये सरसों की बोझा है, सरसों की बोझा पानी में हेल रहा है, तैर रहा है। देखिए, टाल लगा हुआ है लंबा चौड़ा। मसूर, रैचा और कुछ फसलें दौनी दमाही किया हुआ बारिश के पानी में डूब रहा है। ना जाने इस तरह की हालात से कितने किसानों की होगी। फसल बर्बाद होता है तो ना ही तो सही से उसको मुआवजा मिल पाता है, जब फसल तैयारी होती है तो ना ही उसका सही रेट मिलती है। किसान भूखे प्यासे रह करके फसल उगाने की काम करता है और शहरवासियों को पेट भरने की काम कर, लेकिन किसान को खाने वाला तो बहुत है लेकिन देखने वाले बहुत कम है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना सा।